गाने लगे हुए हैं, आप चाहते हैं मैं टीवी पे जैसे हंसती हूँ वैसे हंस के भी दिखाऊँ आपको? ऐसे थोड़ी बात, जमे रहो और लगे रहो और करते रहो, बस यही कहूँगी। और ये अपनी खुशबू फैलाते रहे। इस वक्त तो पाकिस्तान की सिचुएशन काफ़ी टाइट है, उम्मीद है, दिल है हमारा कि सिर्फ साहब ही नहीं पूरी आवाम जो है वो सब सर्वाइव कर रहा है। ये जो वेव है, बताएं कि जो एंकर होता है, जो आपके जो लेवल के जो सेलिब्रिटी एंकर हैं, तो न्यूज़ में तो रहते हैं लेकिन कभी कभार खुद भी न्यूज़ बनते हैं। बिल्कुल है कि इंसान ही है ना, कोई आसमान से उतरा हुआ तो नहीं है, कभी कभी खुद भी न्यूज़ बन जाता है इंसान। वेरी गुड क्वेश्चन मुर्तजा भाई, बट शी कांट आंसर, शी कांट गो फर्दर लीगली। इन जनरल बात कर रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, कई दफा बहुत सारे सहाबी हैं जो सुर्खियों की जद में आ जाते हैं, और फिर कुछ बार ऐसे भी होता है कि सुर्खियाँ उनका पीछा ही नहीं छोड़ती, पर कुछ हमारे सहाबी हैं जो सिर्फ सुर्खी बन के रह जाते हैं। तो ये होता है, इंसान हो जाता है। सॉरी आयशा, ये मुर्तजा भाई 70 रुपए यूनिट हो गया जी, और 1500 के बाद जो है ना तकरीबन आपको कमर्शियल रेट पढ़ना शुरू हो जाता है। अभी सुनने में आया है कि रेट नीचे जाएगा, हाँ, पर कितना नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा और चावल ऊपर जाएगा। हाँ जी, अभी आम लोगों के लिए तो वाकई में बहुत मुश्किल है, लेकिन आप लोगों के बारे में तो ख्याल ये किया जाता है कि बड़े वेरी वेल पेड, तो हमारी नौकरी भी तो हवा पे झूल रही होती है। आपसे ज्यादा बेहतर कौन जानता है ये बात, क्यों नहीं, बड़ा लंबा अरसा आपने वहाँ काम किया। हाँ, बड़ा लंबा अरसा काम किया, लेकिन वो अपने मेरिट पे और बलबूते पे बंदा काम करता है, लेकिन हवा के ऊपर झूल रही होती है चीज़, लेकिन ये वो वाहिद रोजी है जो हवाई रोजी है। लेकिन पाकिस्तान में एंकर तो वैसे अच्छा कमा रहे हैं। हाँ, कुछ एंकर बहुत अच्छा कमाते हैं, लेकिन खवातीन एंकर्स की पे मर्द एंकर्स की निस्बत हाफ भी नहीं होती अनफॉर्चुनेटली। ऊपर भी तो मर्द ही बैठे हुए हैं ना, टॉप मैनेजमेंट में भी तो मर्द ही, कोई खातून देखी आप? डिस्क्रिमिनेशन है। और जो देखिए, अगर BBC जैसे इदारे में ये चीज़ें आप महसूस करते हैं, और अगर उनकी फीमेल्स को लड़ना पड़ गया था, तो आप सोचें फिर पाकिस्तान, मतलब BBC जितना बड़ा पुराना इदारा है, पाकिस्तानी इदारों में ये शौर आते आते बहुत वक्त लगेगा। अच्छा, फर्स्ट टाइम चीफ मिनिस्टर बैठी है पंजाब में, वो खातून है। बहुत तो बहुत डिफरेंस है, खवातीन के खिलाफ जो वायलेंस हो रहा है, खवातीन के खिलाफ जो केसेस हो रहे हैं, उसमें इतना प्रॉम्प्ट एक्शन इससे पहले मैंने नहीं देखा। उन्हीं की मौजूदगी में तो हो रहा है सब कुछ, वायलेंस वायलेंस घर में घुस के तो कोई नहीं करता ना, वायलेंस करे। चीफ मिनिस्टर पिछले जब से हुकूमत में आए हैं, वो आके वो लोगों के घरों में घुस के उठा रहे हैं, मार रहे हैं उनको, PTI के लोगों के साथ जितना जुल्म ये कर रहे हैं। मेरे घर का मीटर जला हुआ था और 3 महीने बिल आता रहा। सर आप अपनी बात को देखिए, थाना बनाया है, इवन जो खवातीन का फर्स्ट रिस्पांस सेंटर है उसके अंदर भी आगे जाके भी वेमेन प्रोटेक्शन ब्यूरो को बहुत ज़्यादा ताकत वो देने वाली, सर थोड़ा सा पीछे लगेंगे, बहुत ज़्यादा ताकत जो जो है ना उसमें वेमेन प्रोटेक्शन ब्यूरो को बहुत ज़्यादा ताकत मिलने वाली। अभी नहीं है लेकिन उस पर काम हो रहा है, आई नो फॉर श्योर। और वेमेन प्रोटेक्शन ब्यूरो जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और बहुत प्रॉम्प्ट एक्शन लेता है, ये तो मैंने खुद देखा है अपने केस में भी। आई सॉ दिस मर्द कह रहे हैं कि उनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। किसी भी जो जेंडर है, वो चाहे मर्द हो, औरतें हो, खाजसरा हो, किसी इंसान जानवर चरिंद किसी के साथ भी ज्यादती नहीं होनी चाहिए। जो की भी बात अगर मैं करूँ तो देखिए, उनका अपना पर्सनल पर्सपेक्टिव था, ना कि इदारे का उससे कोई लेना देना था, ना मेरा उससे कोई लेना देना था, ना और किसी का। ये उनका पर्सनल आइडियोलॉजी है, उनकी वो इन्हीं रिप्रेजेंट, वो सिर्फ उस जगह पे नहीं, वो हर जगह पे यही रिप्रेजेंट। नहीं, वारबंदी का लेकिन नहीं, वो शो के हवाले से, उसके एडिटोरियल के हवाले से मैं सवाल पूछ रहा था कि वो इट वाज अ वो डिजिटल का शो था, इट वाज नेवर सपोज्ड टू बी ऑन एयर, बट वो पता नहीं क्यों एयर किया गया, और फिर उसके बाद उसको इसीलिए फिर ऑफर ये कहा गया कि वो स्टेज शो था। नहीं, इट वाज नॉट स्टेज्ड, ये बिल्कुल गलत है। वो लड़की जरूर समर डिजिटल के साथ काम करती है, उसको क्वेश्चन करने के लिए जरूर कहा गया था कि आपने सवाल करना है, बट क्या सवाल करना है और कैसे करना है, इट वाज नॉट प्रॉम्प्टेड एट ऑल। उनके जो ख्यालात है ख्वातीन के हवाले से, जो गायब गाय से पूछना पड़ेगा आपको, इसके लिए मैं आप एज ए खातून, आप एज ए खातून, मेरा ख्वातीन के बारे में क्या ख्याल है मैं आपको बताऊंगी, मेरा मर्द हजरात के बारे में क्या ख्याल है मैं आपको बताऊंगी। अच्छा, आशा ये बताएं कि आप पाकिस्तान की जो आवाम है, जो पाकिस्तान के लोग आपके साथ खड़े हुए, मुतमईन हुई आप उनका रवैया देख के, लोगों ने आपका